लूका रचित सुसमाचार नौवां अध्याय। फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी न झोली, न रोटी न रुपये और न दो दो कुर्ते। और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। सुबह निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। और देश की चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने यह कि एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और उसने उसे देखने की इच्छा की। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नाम एक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास पांच रोटियां और दो मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हां, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांती पांती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे पांच रोटियां और दो मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इंकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा।
जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहां रहना भला है, सो हम तीन मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख एक दुष्टात्मा उसे पकड़ता है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। और मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहां ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उससे जानने न पाएं, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा,